इसराइल फिलिस्तीन के बीच खूनी संघर्ष जारी है। इजरायली सेना और फिलिस्तीन के बीच झड़प में 9 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है और इस साल अब तक 29 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। जानकारी के अनुसार इजरायली सेना ने पहले चिकित्सा कर्मियों के लिए जेनिन कैंप में जाने पर रोक लगा दी थी, जहां पर घायल लोगों की हालत गंभीर थी और उनका इलाज चल रहा था। सेना ने सरकारी अस्पताल में आंसू गैस के गोले भी छोड़े, जिसकी वजह से बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। हालांकि इजरायली सेना का कहना है कि उन्होंने किसी भी निर्दोष की हत्या नहीं की है।